दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सड़क पर अभद्रता का मामला गर्मा गया है। घटना के दूसरे दिन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर ट्वीट किया और आरोपी कार ड्राइवर पर पहले भी महिलाओं से अभद्रता करने का दावा किया है। उन्होंने ऐसे ही एक पीड़ित महिला का वीडियो भी अटैच किया। स्वाति ने कहा कि अच्छा हुआ मैंने उसको पकड़वाया। वहीं स्वाति के इस स्टिंग को बीजेपी ने फर्जी करार दिया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आरोपी कार ड्राइवर आपके विधायक प्रकाश जायसवाल का सहयोगी करीबी है। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की और कहा कि दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, जिस आदमी ने मुझे छेड़ा उसने और महिलाओं को भी शिकार बनाया है। एक लड़की ने 181 हेल्पलाइन पर फोन कर बताया कैसे इस आदमी ने 17 जनवरी को लोधी रोड पर कई बार गाड़ी उसके आगे रोकी और गाड़ी में बैठने को कहा। अच्छा हुआ मैंने उसको पकड़वाया। सबसे अपील है कि डरे नहीं, आवाज उठाएं। स्वाति ने महिला का जो वीडियो अटैच किया है उसमें वो कह रही हैं कि आज सुबह एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ छेड़छाड़ हुई है। आरोपी की भी फोटो प्रकाशित हुई है। मैं बताना चाह रही हूँ कि मंगलवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच लोधी कॉलोनी में भी यही शख्स मुझे मिला था और लिफ्ट लेने के लिए कह रहा था। बार बार यू टर्न लेकर मेरे पास आ रहा था। मैंने पहली बार इग्नोर किया और दाएं बाएं देखने लगी। जब कई बार आया तब मैंने उसकी तरफ देखा। हालांकि मैं जल्द वहां से निकलना चाहती थी लेकिन बस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इधर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने स्वाति मालीवाल के स्टिंग को फर्जी बताया है और बड़ा दावा किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि 24 घंटे पहले दिल्ली में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई। ये घटना आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ होना बताया गया। मुझे बहुत चिंता हुई क्योंकि हम सब महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क और सजग हैं। जब मैं इसके तह में गया तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। सड़क पर एक कार आती है फिर हाथ फंसता है। ऐसा कहा जाता है कि कार से हाथ खींचने की कोशिश की। ये सारी जानकारी आपको स्तब्ध कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।